टीम इंडिया को झटका, केएल राहुल बाहर, ऋषभ पंत बने कप्तान। तो दोस्तों क्या है पूरी खबर की जानकारी बताएंगे इस वीडियो में, लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आप भी चाहते हो भारतीय टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ जीत हासिल करे तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में टीम इंडिया लिखना ना भूलें। दोस्तों भारतीय टीम 9 जून से साउथ अफ्रीका के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज में भिड़ने के लिए तैयार है। इस सीरीज के लिए केएल राहुल को टीम इंडिया का कप्तान चुना गया था, लेकिन अब भारतीय टीम को एक बड़ा झटका लगा है। बता दें राहुल चोट के चलते इस पूरी सीरीज से बाहर हो चुके हैं। केएल राहुल के बाहर होने के बाद एक दूसरे खिलाड़ी को टीम इंडिया की कप्तानी सौंप दी गई है। ये खिलाड़ी और कोई नहीं बल्कि टीम इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत हैं। पंत आईपीएल में पिछले 2 साल से दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी भी कर रहे हैं। इस सीरीज को T20 वर्ल्ड कप की तैयारियों के तौर पर देखा जा रहा है। सीरीज का पहला मुकाबला गुरुवार यानी 9 जून से दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। आईपीएल में लगातार खेलने के चलते भारतीय कप्तान रोहित शर्मा, धुरंधर बल्लेबाज विराट कोहली और पेसर जसप्रीत बुमराह को इस सीरीज के लिए आराम दिया गया है। बता दें कि भारत के पास दिल्ली में लगातार 13 T20 जीत विश्व रिकॉर्ड बनाने का मौका है। भारत ने लगातार 12 मैच जीते हैं। हालांकि टीम के हेड कोच राहुल द्रविड़ इस रिकॉर्ड को ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहे हैं, उनकी नजर T20 विश्व कप पर है। ऐसे में वह नए और अनुभवी खिलाड़ियों को परखने की कोशिश करेंगे। फिलहाल दोस्तों अब देखना दिलचस्प होगा कि दिग्गज खिलाड़ियों की गैर मौजूदगी में भारतीय टीम कैसा प्रदर्शन करती है, देखने वाली बात होगी। तो दोस्तों आप भी इस संबंध में अपनी राय कमेंट जरूर करें। ज्यादा जानकारी और क्रिकेट के अन्य तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।